नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अप्रैल अपडेट के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज का प्रोसेस क्या होता है। कपल के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही होता है कि कोर्ट मैरिज के दौरान पुलिस सुरक्षा कैसे मिलेगी और सब कुछ सेफली हो पाएगा कि नहीं, पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, फीस सही लगेगा कि नहीं लगेगा, जो लोग मैरिज कराएंगे वो मैरिज कराने वाले एडवोकेट या आर एस समाज या निकाह कराने के लिए सही लोग होंगे या नहीं होंगे, किस तरीके से सब कुछ मैनेज होगा, लेटेस्ट रूल क्या है, एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, सब कुछ आप इस वीडियोज़ में जान पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी भी कपल को शादी करनी है तो लड़की की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़के की 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। आपको मैं ये भी बता दूं कि लड़कियों की शादी की एज को लेकर के जो परिवर्तन, जो शादी की एज में परिवर्तन होना था उसमें अभी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी एज 18 वर्ष ही है। लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष नहीं हुई है और अभी आगे कब होगा ये 5 महीना 6 महीना तक तो कम से कम टल गया है, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लड़की की एज 18 वर्ष हो गया है और लड़के का एज 21 वर्ष पूरा हो गया है तो आप आराम से शादी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। सबके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो बर्थ का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, ये सभी कंसिडर किए जाते हैं बर्थ प्रूफ के तौर पर। इसके साथ आपको आधार कार्ड देना ही है और साथ ही साथ अपनी एक आईडी प्रूफ, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसकी एक आईडी आपको देनी होती है। तो ये ऑप्शनल है, चाहे पैन कार्ड दे दें, वोटर आईडी दे दें या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो आईडी दे दें, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो ये बात तो मैंने बता दी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और एज से रिलेटेड। आपको मैं यह भी बता दूं कि अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है, अगर आप डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है जो मैंने बताए हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 8800444555 नंबर है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है leadindia.law, उस पर विजिट कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। जो विजिटिंग ऑफिस है, आप अगर चाहें तो हमारे कनॉट प्लेस के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे लक्ष्मी नगर के ऑफिस में, या अगर कोर्ट में आना हो तो 30 जारी के चैम्बर में आ सकते हैं। किसी भी जगह पर आप आने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आप आकर के विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो कहां से करें, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। एक तो सबसे पहला चीज़ यह है कि अगर आप अपने लोकल सिटी में करते हैं तो लोकल सिटी में कोर्ट मैरिज करने में खतरा ये होता है कि अगर आप वहां करते हैं तो उस शादी को जल्दी से तुड़वाया जा सकता है, उस शादी को समाप्त कराया जा सकता है। उसका रीज़न ये है कि लोकल में आपके गार्जियन, आपके माँ बाप का भी इतना इन्फ्लुएंस होता है कि पुलिस को जाकर के वो पैसे दे दें, और चूंकि लोकल की बात होती है तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन सबको मैनेज करके आर्य समाज को धमका करके शादी को समाप्त करा पाना बहुत आसान होता है कंपेरेटिवली। कि अगर आप बाहर के किसी स्टेट में चले जाएँ, जैसे आप रहने वाले बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं या हिमाचल प्रदेश के हैं, किसी भी ऐसे स्टेट के हैं, साउथ इंडिया के हैं, कहीं के भी हैं, अगर आप दिल्ली आ जाते हैं, गाज़ियाबाद आ जाते हैं, मुंबई आ जाते हैं, तो इन जगहों पे वहाँ की पुलिस को आना पड़ेगा, यहाँ की पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा, तब वो कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को करना किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। तो इसलिए शादी जो कि आप अपनी सिटी से बाहर जाके करते हैं तो बहुत ईजी रहता है, हालाँकि इसमें आपको आना पड़ता है, थोड़ा समय आपका ज़्यादा लगता है। अपनी सिटी में करेंगे तो कम समय लगेगा, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको बाहर आकर के ही करना चाहिए। अगर आप इन जगहों पे, जो मैंने आपको सिटीज़ बताए हैं, अगर आप मान लीजिए दिल्ली से करते हैं तो दिल्ली में लॉ ये है कि आपको अपनी शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड कराने से 1 दिन पहले की हुई होनी चाहिए। इसका मतलब कि आपकी शादी पहले दिन होगी और उसके नेक्स्ट डे आपकी शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगी। कोर्ट में रजिस्ट्रेशन 3 दिन होता है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, उसके 1 दिन पहले शादी का होना ज़रूरी होता है। अगर आप गाज़ियाबाद से करते हो तो गाज़ियाबाद से सेम डे में आपका मैरिज हो सकता है। गाज़ियाबाद से करने के लिए आपकी शादी भी सेम डे हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन भी आपका सेम डे हो जाएगा,
मुंबई से भी सेम डे शादी हो जाता है और उसके बाद कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। वहाँ बीएमसी में रजिस्ट्रेशन होता है, 7 से 10 वर्किंग डेज में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि चाहे आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप हिंदू हो तो हिंदू तरीके से आर्य समाज में शादी हो जाएगी। आप यह भी जानना चाहिए आपको कि अगर आप हिंदू हैं तो चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो और हिंदू हो, ये सभी हिंदू ही कहलाते हैं और हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक इनकी शादी होती है। आर्य समाज में आराम से आप कर सकते हैं, किसी भी जाति, किसी भी जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी वर्ग के हो, आप आराम से शादी कर सकते हैं। मुस्लिम है तो आपका निकाह हो जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्रिश्चियन है तो फादर आपकी शादी चर्च में करा देंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर इंटर रिलीजन है तो आप उसे स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में करके आप बिना धर्म परिवर्तन के स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। इसको करने के लिए जो आपको स्टेप लेना पड़ता है कि आपको पहले हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करना होता है। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। जब हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे तो कॉल करके आपको वहाँ बुकिंग कराना होता है। एक बार जब आपकी बुकिंग हो जाती है तब आपको सर्विस टीम का एक मेरा स्पेशल वीडियो मिलेगा, फिर आपको सर्विस टीम का और एक इमरजेंसी नंबर आपको मिल जाता है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं टीम से, और फिर आपकी शादी की जो भी तिथि होती है, जो भी डेट होता है, उस डेट पे आपकी शादी हो जाती है। और इन सभी चीज़ों का डिटेल आप leadindia.law की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, उस यूजर आईडी पासवर्ड के हिसाब से आप अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया है कि आप बुकिंग कराने का प्रोसेस क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्लियरिटी और चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि कपल के दिमाग में सुरक्षा को लेकर के, पुलिस प्रोटेक्शन को लेकर के बहुत ये रहता है। अगर आपको प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ FIR हो सकता है, आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, तो आपको इंटीमेशन लेटर जरूर भिजवाना चाहिए। आमतौर से क्या होता है कि पुलिस में लड़की के घर वाले जाते हैं, कहते हैं कि लड़की को नशा खिला करके, बहला फुसला करके कोई लड़का लेकर के चला गया है, तो पुलिस को FIR चाहे वो पैसे लेके करे या ईमानदारी से करे कई बार रजिस्टर्ड करना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जरूरी होता है कि हम इंटीमेशन लेटर भेजें। इंटीमेशन लेटर भेजने से ये होता है कि पुलिस को सूचना मिल जाता है कि भाई इनकी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी अगर पुलिस किसी भी तरीके से गलत एक्शन लेती है तो हम उस इंटीमेशन लेटर को हाई कोर्ट में दिखाते हैं और वहां से पुलिस को काफी डांट फटकार मिलती है और कपल को प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन जो लीड इंडिया का न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिकेशन करा सकते हैं। इससे ये होता है कि पुलिस कई बार कहती है कि आपने प्राइवेटली कहीं जाके शादी करा लिया, ये पब्लिकली नहीं हुआ, इसलिए हम इसकी जांच करेंगे। तो आप जानते हैं न्यूज़पेपर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, हालांकि सब्सक्राइबर बेस्ड न्यूज़पेपर होने की वजह से पब्लिकली नहीं जाता, लेकिन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसमें जब आपकी शादी की खबर आ जाती है तो उससे भी बहुत आपका बचाव हो जाता है। इन सब चीज़ों को करने के बाद से आप बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं होगा। फिर भी 1% अगर कोई समस्या होता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पे चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट में, किसी भी हाई कोर्ट में आपको जाना हो, हमारे एडवोकेट आपको हेल्प करेंगे और हाई कोर्ट से आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। वहाँ पे आपको अपने मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाने के साथ साथ इंटीमेशन लेटर और पब्लिकेशन को भी दिखाना होता है, जिससे कि आपको प्रोटेक्शन मिलने में आसानी हो सके। तो ये पूरा प्रोसीजर अप्रैल अपडेट में है। फीस को लेकर के मैं आपको बताऊं कि फीस लीड इंडिया का बिल्कुल रिजनेबल है। अगर इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कर सकते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करके आप फीस के बारे में पता कर सकते हैं, जो बहुत आसानी से आपको मालूम चल जाएगा और आसानी से कर सकते हैं। कुछ भी हिडन चार्ज नहीं होता और सही तरीके से आपकी मैरिज हो सकती है। दोस्तों अप्रैल अपडेट में आपने जो सुना है, अगर आपके पास कुछ आइडिया हो और आप चाहते हैं कि मई अपडेट में कुछ अलग तरीके से वीडियो बनाएं, तो आप ज़रूर कमेंट में अपने विचार व्यक्त कीजिए और या आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आप मुझे subhash@leadindia.law पर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ करके सवाल करना हो तो आप यूट्यूब के लाइव टुगेदर में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आगे आने वाले कई वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं और कैसे कपल मेरे साथ जुड़े और उन्होंने अपने सवाल किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।